आई थिंक दैट एंड दैट सिमिलैरिटी मेरे और सरगुन के बीच में एज पीपल बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है, यू नो. तो दैट इज़ वाई वी केम टुगेदर, यू नो, इन आर लाइफ एज वेल. एंड वो चाहे प्रोफेशनली हो चाहे पर्सनली हो, हम कभी कभी मुझे लगता है हम एक दूसरे का मेल और फीमेल वर्जन है. सोचते एक तरीके से हैं, करते एक तरीके से हैं, जहाँ मतलब जो ख्याल मिस हो जाए वो सामने वाला पूरा कर देता है, जो सेंटेंस में मिस हो जाए वो सामने वाला पूरा कर देता है. तो मैं उडारियाँ से पूछी सरगुन मैम नू, मैं क्या मैम फिल्म्स भी प्रोड्यूस कर रही हूँ, शो भी प्रोड्यूस करने लगे हूँ, इन्ने पैसे की करने हैं? वो कहते तू बह जा कि मैंने डर मैं कितने डुबा ही ना दे. सरगुन मैम ने गल कही तो वह आंसर तुम्हें दिता सी कि वो लड़की कभी गलत कर ही नहीं सकती जिंदगी में. तो मैं वही सर देखिए जानना चाहता हूँ, देखिए यू आर ए रोल मॉडल फॉर कपल्स, है ना, रोज रिश्ते बनते हैं टूटते फिर भी, लेकिन आपने इतना प्यार बना के रखा, ये कैसे करना चाहिए अगर हमारी भी कल को शादी हुई, कपल्स की भी कैसी अंडरस्टैंडिंग हो, लड़ाई झगड़े आपके बीच में भी होते होंगे? तो मुझे लगता है ना सर, अव्वल तो ये और इस सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं, मतलब जो उस रिश्ते में वही दे सकता है कि क्या उसकी जीत आपकी जीत है. अगर है तो बस है. क्या आपकी जीत उसकी जीत है उसका जवाब वो दे सकती है या दे सकता है. अगर इस जवाब सवाल का जवाब आपको हाँ में मिलता है तो फिर अटूट फिर हैं आप, अनब्रेकेबल है. उसके बाद आपको किसी और साथ की, किसी और पिलर की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं है. देन वो सेल्फ सस्टेनिंग है, क्योंकि देन यू आर अ यूनिट. आप खुद को जीतते हुए देखना चाहते हैं ना हमेशा, खुद को आप इवॉल्व करते हुए देखना चाहते हैं, एज अ पर्सन पर्सनली भी इवॉल्व, प्रोफेशनली भी आप खुद को इवॉल्व करते हुए देखना चाहते हैं. तो अगर यही भाव आपका आपके सामने वाले आपके साथ जिसका जिसके साथ भी आपका वो साथ है उसके लिए भी है, तो फिर आप एक यूनिट हो गए. आप वो जो कहते हैं दो जिसमें एक जान हो गए, फिर तो बचा ही क्या, फिर बचा गया, फिर आपको किसी और के सहारे की किसी और बाकी सब बातें हैं. फिर उसके बाद फिर आप बढ़ते चले जाएंगे, कुछ नहीं रुके.